Welcome again uh, to learn the terminology that we are learning since last two sessions. In this lecture, we will complete the terminology. From 32 onwards, we are learning terminology which is given in your books. Here, we are going to learn something very important uh, terminology. Uh, first is bills receivable and it will be followed by bills payable right when we once we learn bills receivable automatically we can learn bills payable Let's learn what is bills receivable and what is bills payable right uh, with example I'm going to uh, give you the idea about bills receivable and bills payable. Suppose you have... योर कंपनी इज हेयर राइट वन ऑफ द customer कम्स कस्टमर सपोज कस्टमर एक्स एस कम टू योर कंपनी राइट और वो बोल रहा है कि भैया 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 मुझे दस हज़ार का दस हज़ार का सामान दो ये हमने डेटस क्रेडिटस में ऑलरेडी लर्न किया है कि दस हज़ार का सामान मुझे दो आपने बोला कि यस मैं दे देता हूँ राइट right? एंड देन यू आस्क क्या कि कैश कहाँ है कैश कैश कहाँ है तो बोला कि कस्टमर बोला कि कैश अभी नहीं है लेकिन मैं आपको थ्री मंथ्स के बाद कितने मंथ्स के बाद थ्री मंथ्स के बाद आपको दे दूंगा पक्का पक्का दे दूंगा आपने बोला कि मुझे भी स्टॉक ख़त्म करना है और इसमें मैंने मुनाफा बहुत ज़्यादा चढ़ा के दस हज़ार का माल बेच रहा हूँ तो ओके बोल दिया कि तीन महीने के बाद आप दे देना राइट right, तीन महीने के बाद आप दे देना तो उसने बोला कि ओके लेकिन आपने एक रखी कंडीशन रखी कि भाई ये जो नया कस्टमर है पता नहीं या ओल्ड कस्टमर है साला देता नहीं है कभी तो आपने क्या किया कि चलो मैं एक बिल बनाता हूँ बिल मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है राइट right? ये बिल बनाता हूँ एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट मैं बनाता हूँ कौन बनाते हैं मतलब आप बनाते हैं और उसको देते हैं इसको कि भाई ये है तू साइन करके दे साइन करके देना मतलब यू एक्सेप्ट दिस ओके साइन करना मतलब एक्सेप्ट दिस बिल बिल ये एक्सेप्ट करो कि मैं तीन महीने के बाद दे दूंगा तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है आई हियर बाय एक्सेप्ट दैट आई विल गिव मिस्टर यू हाँ रुपीज टेन थाउजेंड आफ्टर थ्री मंथ्स ऐसा करके यहाँ साइन किसकी होगी मिस्टर एक्स की, की साइन यहाँ होगी मिस्टर एक्स यहाँ साइन करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा आपको दे देगा कि भाई मैं अगर ना दूं तो ये मैंने गारंटी दी है राइट तो तू ये दे सकता है ये ले सकता है मुझसे राइट तो ऐसा एक ट्रांजेक्शन हो गया अभी सोचिए अभी सोचिए दिस बिल इज रिटर्न बाय यू तो आपके लिए ये बिल्स रिसीवेबल हो गया क्या हो गया बिल्स रिसीवेबल क्योंकि आपने लिखी सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और एट द एंड ऑफ द थर् थ्री थर, मंथस ही विल पे यू तो बिल्स आप दे देंगे उसको राइट बिल्स दे देंगे उसको और वो क्या कर देंगे दस हज़ार रुपया आपको लौटा देगा क्या करेंगे दस हज़ार रुपया लौटा देगा कब दे देगा जब तीन महीना होगा तब उसका ड्यू डेट्स होता है उसका क्या होता है ड्यू डेट्स राइट right? जैसे इलेक्ट्रिसिटी भरने पैसा भरने का भी ड्यू डेट होता है वैसे ही बिल्स का भी क्या होता है ड्यू डेट्स आफ्टर थ्री मंथ्स यहां लिखा है ना वैसे ही तो तीन महीने के बाद ऐसा ट्रांजैक्शन होगा तो ये आपके लिए क्या होगा बिल्स रिसीवेबल पर सामने वाले कस्टमर एक्स के लिए क्या होगा वो होगा बिल्स पेएबल वन काइंड ऑफ गारंटी कि आई विल पे दिस तो जो रिटर्न करता है जो राइट करता है उसके लिए क्या बनता है बिल्स रिसीवेबल, एम आ सकता है जो बिल लिखता है उसको उसके लिए क्या वो बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। जो एक्सेप्ट करता है जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या बोला जाता है बिल्स पेबल बोला जाता है जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए इसके लिए बिल्स जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल बोला जाता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है और और सामने वाले कस्टमर एक्स के लिए ये बिल्स पेएबल है अगर हमने किसी के पास से माल सामान खरीदा तो हमारे लिए बिल्स रिस हो सकता है और उसके लिए बिल्स रिसिवेबल होता है तो कौन बेच रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन लिख रहा है वो हमको होना चाहिए लेकिन ये लास्ट में जो पेमेंट सेटलमेंट कैसे होता है मैं बता देता हूं पेमेंट ऑलरेडी बताया हुआ है तो तीन महीना यहाँ होगा तो तीन महीने के बाद एक्स जो आपको क्या दे देगा टेन थाउजेंड दे देंगे टेन थाउजेंड आपको दे देंगे और आपको ये बिल उसको रिटर्न करनी है या फाड़ के फेंक देनी है ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो मतलब इस बिल्स रिसिवेबल बिल्स पेएबल उसको बोलते हैं तो ये Uh, कुछ मतलब uh, श्योरिटी और सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है किसके लिए सिक्योरिटी के लिए कहीं ये मिस्टर एक्स भाग गया तो क्या राइट right? तो ये गारंटी रहेगी कि भाई तू भाग गया ना तो मैं तेरे पे केस कर सकता हूँ राइट राइट हो सकता है और दूसरा बेनिफिट ये है कि जिसका जो बिल्स रिसिवेबल है वो बैंक में डिस्काउंट कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं बैंक में डिस्काउंट oh, कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं मतलब मतलब ये यह यहां समझा देता हूं आपको क्या होता है वो मतलब ये फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर राइट यू आर हियर राइट और ये कस्टमर एक्स है हमारे एग्जाम्पल में कस्टमर एक्स है राइट right? तो आपने बिल लिखी राइट टेन थाउजेंड की टेन थाउजेंड का बिल लिखा उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके आपको दे दिया ये बिल तो अभी ये बिल आपके पास है राइट यू यू आर पर्जेसिंग दिस बिल राइट आपके लिए वो क्या होता है बिल्स रिसीवेबल थ्री मंथ्स पीरियड है ना थ्री मंथ्स पीरियड है ओके okay. अभी आपको क्या दस हजार की जरूरत हुई मान लो आपके पास पैसे नहीं है और जरूरत हुई तो यू कैन कंसल्ट ए बैंक आपके बैंक होते हैं वहाँ जाके वहाँ जाके बैंक को बोलोगे कि भैया ये मिस्टर एक्स ने ये बिल दी है और मैं आपको दे रहा हूँ आप मुझे पैसे दीजिए आप मुझे क्या है अमाउंट दीजिए ए एम ओ यू एन टी अमाउंट दीजिए राइट तो बैंक बोलेगी कि ओके चलो कितने की बिल है तो बोला कि टेन थाउजेंड की बिल है कब देना है तो थ्री मंथ के देना है तो बोला कि ट्वेल्व परसेंट मैं इंटरेस्ट काट के दूंगा टेल्व परसेंट इंटरेस्ट काट के दूंगा मतलब बार बार तिया छत्तीस छत्तीस सौ रुपया में सॉरी और थ्री बाई ट्वेल्व होता है ना थ्री बाई ट्वेल्व 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 तो थ्री हंड्रेड में कम दूंगा मतलब दस हजार में से तीन सौ काट लूँगा क्यों क्योंकि मैं मैं भी राह देख रहा हूँ ना बैंक वाला बोलेगा कि मैं भी राह देख रहा हूँ दस हजार के लिए तीन महीना कस्टमर एक्स के लिए तो मैं आपको नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दे देता हूं और आप क्या है मतलब बाद में मैं आ, आ, मैं वसूल कर लूंगा तो बोला कि ओके तो बैंक आपको क्या देगी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड कैसे तो तीन महीने का इंटरेस्ट तो थ्री बाय ट्वेल्व एंड ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो थे हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड इज डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल क्या बोलते हैं डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल होता है मतलब नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड आपको देंगे तो आपको तो फायदा हो गया मतलब तीन महीने आपको वेट नहीं करना पड़ा और नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का आप और गुड्स खरीद के और अपना बिजनेस कर सकते हो ओके तो आपको नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दे दिया तो बैंक क्या करेगी उसके पास अभी बिल आ गया तो अभी बिल्स पेएबल किसका हुआ सॉरी बिल्स रिसिवेबल किसका हुआ बैंक का एट द एंड ऑफ थ्री मंथ्स बैंक जाएगी कस्टमर के पास और बोलेगी कि मेरा दस हजार दे दो तो कस्टमर क्या करेगा ये यहां दस हजार बैंक को दे देगा तो बैंक का क्या फायदा हुआ तीन सौ रुपये का 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया अरे तीन महीने का ट्वेल्व परसेंट पे इंटरेस्ट मिल गया और दस हजार बाकी मिल गया तो ये एक सुविधा के लिए ये बिल्स रिसीवल एंड बिल्स पेएबल का ट्रांजेक्शन्स होता है आई होप दैट यू अंडरस्टूड कंप्लीटली हाउ दिस ट्रांजेक्शन्स आर देर सो बिल्स पेएबल ऑलरेडी वी हैव लर्न राइट नाउ रिसीवेबल रिसीवेबल डेटर्स हमने सीख लिया जिसके पास से पैसा लेना है बिल्स रिसीवेबल जस्ट हमने ले लिया अभी सीखते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम इज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ काम किया राइट और उसका कुछ कमीशन मिलना था ओके okay. कब काम किया 30 तारीख को 30 तीन 2020 को काम किया राइट और वो जो जिसका काम किया ना वो बोला कि दो तीन दिन में देता हूँ भैया दो तीन दिन में देता हूँ राइट तो हमारा थर्टी वन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी को तो ईयर कंप्लीट तो एक दिन में वन डे में कंप्लीट तो यहाँ तो आया नहीं ना हमारे पास कब आएगा तो वन और टू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को आएगा लेकिन ये तारीख कौन सी है नेक्स्ट ईयर की है ये ईयर चेंज हो गया ये फर्स्ट ईयर हो गया ये सेकंड ईयर हो गया और इसको बोलते हैं नेक्स्ट ईयर हो गया आई होप क्या आप समझ रहे हो लेकिन यहां आपने ट्रांजेक्शन तो कर दिया लेकिन ये इनकम जो कमीशन वाली इनकम थी आपको यहां मिलेगी मिलनी कहां थी यहां मिलनी थी दे देर क्यों हो गई बिकॉज ऑफ सर्टेन पीरियड्स वो तुरंत नहीं देते ना काम होने के बाद दो तीन दिन एक हफ्ते के बाद देते हैं आप कोई भी ऐसा ले लो कि डायरेक्ट मतलब सेम डे दे देते हो नहीं देते हैं इसलिए हमारे लिए इस पीरियड में इनकम हो गई लेकिन हमको मिली कब और मिलने वाली है कब नेक्स्ट ईयर राइट right. और हम अकाउंट इस तारीख को क्लोज करते हैं थर्टी वन थ्री को यहां क्लोज करते हैं तो ये जो इनकम है हमारा मान लो कि कमीशन का इनकम वन थाउजेंड है वो आउटस्टैंडिंग इनकम है उसको वो क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मिलने की बाकी आवक बोलते हैं तो मिलने की बाकी आवक क्या करेंगे हम ये हमारा असेट्स है वो रिसीवेबल है कभी भी रिसीव हो सकता है सिमिलर वे प्रीपेड एक्सपेंसिज इज ऑल्सो ए रिसिवेबल अरे प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हम भरते हैं ना प्रीपेड मोबाइल का चार्ज करते हैं वो चार्ज भरते हैं, वो क्या होता है हमारा असेट्स होता है क्या होता है असेट्स होता है वो करंट असेट्स ये दोनों ये दोनों और ये सब एक्चुअली करंट असेट्स है करंट है राइट तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है मान लो मान लो मान लो कि एक आप इंश्योरेंस ले रहे हो इंश्योरेंस वन ईयर के लिए इंश्योरेंस ज्यादातर जो जनरल uh, इंश्योरेंस होता है वो वन ईयर के लिए होता है राइट तो एक uh, सात 2020 हजार बीस को uh, या उन्नीस को लिया मान लो हम हम ये चेंज कर देते हैं राइट ये उन्नीस को लिया नाइनटीन नाइनटी को ये टू थाउजेंड नाइनटीन को ओके सो वन सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को हम इंश्योरेंस लेते हैं वन ईयर के लेते लेते हैं तो ये कंप्लीट कब होगा तीस दो हजार बीस को कंप्लीट होगा राइट लेकिन हमारा ईयर कब खत्म होता है तो थर्टी वन थ्री को तो ट्वेंटी ट्वेंटी को ख़त्म होगा हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा यहाँ मतलब जो इंश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम छः महीने का या नौ महीने का नाइन मंथ्स इधर आए और थ्री मंथ्स इधर गए टोटल ट्वेल्व मंथ्स का लिया था तो इन मंथ से फॉल्स इन द सेम ईयर तो ये करंट ईयर का हुआ है और ये तीन महीने का थ्री मंथ्स तो ये हमने एडवांस में पे कर दिया राइट right? तो इसको बोलते हैं प्रीपेड और पेड पेड इन एडवांस बोलते हैं क्या बोलते हैं पेड इन एडवांस तो ऐसा प्रीपेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारा क्या बोलते हैं असेट्स बोलते हैं और उसको रिसिवेबल बोलते हैं आई होप के जो ये रिसिवेबल है ये प्री पेड एक्सपेंस का आपको पता चल गया हमने कुछ भी एडवांस में पे कर दिया हो तो उसको प्री पेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं और वो हमारी वो क्या बनेगी वो असेट्स बनेगी वैसे ही रिसिवेबल के जैसे ही पेएबल्स आता है पेएबल्स में क्रेडिटर्स ऑलरेडी वी हैव लर्न अगर पता नहीं है तो वीडियो देख लीजिए फिर से बिल्स पेएबल जस्ट हमने डिस्कस किया सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस राइट फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ मार्च मार्च की सैलरी कब करते हैं हम अप्रैल में करते हैं ना पूरे मार्च का वो काम करते हैं बेचारे एम्प्लॉयिज उसको सैलरी कब देंगे पहली तारीख को तो पहली अप्रैल 2020 हो गया मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई राइट right? क्योंकि मार्च पेड अप्रैल ऐसा होता है मार्च पेड अप्रैल तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब, मतलब बाहर ऐसा नहीं आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी है जो पे नहीं किया है ऐसा जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस बोलते हैं तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो पेबल्स बोलते हैं मतलब हमारा लाइबिलिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं वो लाइबिलिटी हो जाती है सिमिलर वे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी लायबिलिटी बोलते हैं फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया आपके पास राइट right? कस्टमर आया और वो बोला कि मुझे सामान दे दो आ, मैं दस हज़ार आपको देता हूँ एडवांस में आपने दस हज़ार लिया और उसको देना है फिफ्थ ऑफ अप्रैल को देना है फिफ्थ अप्रैल को देना है राइट right? तो फिफ्थ अप्रैल कब है नेक्स्ट ईयर हो गया हमारा ये अकाउंट साल तो यहाँ क्लोज हो गया है तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो ये हमारी क्या बनेगी पेएबल्स बनेगी लाइबिलिटी बनेगी क्यों बनेगी क्योंकि ये दस हजार एडवांस दे दिया मान लो राइट right? और नेक्स्ट डे फर्स्ट तारीख को आके बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए दस हजार दे दो तो हमको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे उसको पेएबल्स कहते हैं नेक्स्ट इज कॉस्ट ओके तो कॉस्ट एकदम इजी है एक्सपेंस फॉर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं राइट right? तो हमारा जो क्लोथ्स का बिजनेस है राइट फॉर एग्जांपल हम मान लें कि तो, मतलब रेमंड लिमिटेड हमारी है तो उसके लिए जो रो मटेरियल खरीदते हैं उसके लिए जो धागे खरीदते हैं राइट right? उसके लिए सब जो मटेरियल ख़रीदते हैं उसका हम कपड़े बनाते हैं और बेचते हैं तो यहाँ से यहाँ का जो खर्चा हुआ वो हमारा कॉस्ट आ गया तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट आउटपुट मींस टोटल प्रोडक्शन तो वो कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं ऐसे ही प्रोवाइडिंग सर्विसेस कुछ भी सर्विसेज का हमारा कॉस्ट होता है वो कॉस्ट बोलते हैं मतलब ये खर्चा जो होता है वो इसको खर्च बोलते हैं राइट तो एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेस तो जो भी खर्चा होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे नेक्स्ट इज वाउचर वाउचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी अंडरस्टूड क्यों क्योंकि सब स्टार्ट होता है वाउचर से ही तो वाउचर इज रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ उसका डॉक्यूमेंट है कैसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो है वाउचर मतलब शाब्दिक नहीं शब्दों से नहीं रिटर्न डॉक्यूमेंट तो बिजनेस में कौन कौन से वाउचर होते हैं जब परचेज करते हैं राइट कंपनी परचेज करती है तो क्या मिलता है उसको टैक्स uh, इन्वाइस मिलता है अभी जीएसटी के वहाँ देख लेना क्या मिलता है टैक्स इन्वॉइस मिलता है हम बिल नहीं बोलेंगे अभी उसको क्या बोलेंगे टैक्स इन कि आपने इतना इतना माल दिया प्लस आपका जीएसटी इतना हुआ परचेज राइट हम सेल्स करते हैं तो क्या देते हैं टैक्स इन देते हैं राइट हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं तो ईयरली सॉरी मंथली हमारे पास क्या आता है बिल आता है ना हमारे घर पे भी जो बिल आता है वो भी क्या है वाउचर है राइट ऐसे ही बिल्स पेएबल बिल्स रिसिवेबल इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी के लिए हम क्या करते हैं सैलरी शीट देते हैं ना सैलरी का पत्रक देते हैं हम वो सब सब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का हो गैस का हो या कोई भी एक्सपेंस हम करते हो गवर्नमेंट टैक्स भरना हो राइट वो सबके लिए हमारे पास क्या होता है ये वाउचर होता है तो वाउचर से ही एंट्री होती है रिमेंबर वाउचर होता है डॉक्यूमेंट होता है उसकी ही एंट्री होती है तो जो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबके क्या होते हैं वाउचर ऐसे मुंह से नहीं चलता है राइट right? सबके लिए हमारे पास क्या होता है वाउचर होता है बैंक में से बैंक में से मनी उठाए मनी एम ओ एनी वाई मनी विड्रॉ किए राइट मिड्रो किए तो हम क्या करते हैं तो पासबुक पासबुक या हमारा चेकबुक का फोलियो होता है वो क्या होता है वाउचर होता है राइट right. ये सब वाउचर है और वाउचर की ही एंट्री ओके जर्नल एंट्री बनती है उसके बाद ही लेजर पोस्टिंग होता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग नाउ डिस्काउंट डिस्काउंट काउंट नहीं करना ऐसा राइट right? जो काउंट न करो ऐसा जो डिस्काउंट हमको पता है सेल आता है तो हम क्या क्या ढूंढते हैं डिस्काउंट राइट तो अमाउंट विच इज़ डिडक्टेड फ्रॉम रिसिवेबल अमाउंट इ फॉर सेल इज़ कॉल डिस्काउंट ये डिस्काउंट तो टर्म आपने बहुत ही सुना होगा क्योंकि आप हर जगह मतलब अमेजोन पे जाए फ्लिपकार्टे जाए या बाजू पे जाए तो आप क्या ध्यान रखते हैं डिस्काउंट कितना मिलता है भैया डिस्काउंट कितना मिलता है तो डिस्काउंट मतलब ओरिजिनल वैल्यू 1000 है 200 कम है तो 20 परसेंट डिस्काउंट है मतलब आपको क्या पे करना है 800 तो ये जो वाला 200 है वो क्या कहते हैं डिस्काउंट तो डिस्काउंट ऑफ टू टाइप ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कितने डिस्काउंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट इज ए नॉर्मल डिस्काउंट राइट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मल डिस्काउंट नॉर्मल नॉर्मल डिस्काउंट नॉर्मल डिस्काउंट मान लो मैं समझा देता हूँ क्या होता है आपकी टेक्स्ट बुक आप या डाइजेस्ट खरीदते हो ना डाइजेस्ट डाइजेस्ट खरीदते हो फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्ट खरीदते हो राइट right? तो डाइजेस्ट की कीमत क्या है मान लो कि आप अकाउंटिंग की डाइजेस्ट खरीद रहे हो उसकी कीमत रुपीज हंड्रेड लिखी है किस पे लिखी है डाइजेस्ट पे लिखी होगी राइट तो ये कहाँ से लाते हैं आप तो स्टेशनरी वाले से लाते हैं ना बुक सेलर बुक सेलर बुक सेलर के पास से लाते हैं ये सब राइट तो बुक सेलर का वैल्यू कितना है वो भी हंड्रेड में देगा क्या मतलब हंड्रेड में लेगा क्या नहीं उसको कम में मिलेगा ना फॉर एग्जाम्पल नवनीत नवनीत की है फॉर एग्जाम्पल तो नवनीत हंड्रेड में हंड्रेड में बेचेगा और वो भी आपको हंड्रेड में बेचेगा तो बुक सेलर का प्रॉफिट कहाँ गया कहाँ कमाएगा वो क्योंकि एम तो हंड्रेड है ना एम आर पी मैक्सिमम रिटेल प्राइज इज हंड्रेड तो क्या करते हैं नवनीत वाले उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं मतलब व्यापारी को डिस्काउंट देते हैं उसको बोला कि थर्टी परसेंट लेस थर्टी परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मतलब उसको कितने में मिलेगा सौ में से थर्टी गया सेवेंटी में वो उसको बुक सेलर को ये कितने में पड़ेगा सेवेंटी में आपको कितने में बेचेगा हंड्रेड में उसका मुनाफा क्या हुआ थर्टी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो डायरेक्टली मुनाफा बनता है किसका जो सेलर है होल या रिटेलर है उसका तो ये होता ही होता है मतलब एम से जितना भी कम आपको मिले वो राइट लेकिन कैश डिस्काउंट अलग होता है कैश डिस्काउंट मान लो मान लो कि ये कैश डिस्काउंट ऑन पेमेंट ऑफ कैश होता है पेमेंट ऑफ कैश होता है पेमेंट कैश में पेमेंट कर दो तुरंत मतलब अर्जेंट और मे बी विद इन वन वीक ऐसा भी होता है हाँ वन वीक में कर दो वन वीक में कर दो तो आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट ये क्यों होता है कैश डिस्काउंट राइट तो इट इज़ ओवर एंड अबाउ ऑफ दिस ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे एग्जाम्पल में सौ रुपया वाली जो डाइजेस्ट uh, है वो बुक सेलर थर्टी परसेंट डिस्काउंट में मतलब सेवेंटी रुपीज उसको देना पड़ेगा और नवनीत ने बोल दिया अगर आप कैश में सेवेंटी देते हो तो हम Uh, तीन रुपया और डिस्काउंट देंगे राइट पर हंड्रेड थ्री परसेंट देंगे मतलब हंड्रेड का तीन परसेंट देंगे राइट तो आपको सिक्सटी सेवन ही देना है मतलब इंस्टेंट जब नवनीत यहाँ बुक देगी तब आपको सिक्सटी सेवन देना है तो ये जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है ऑन पेमेंट ऑफ कैश इस कंसिडर एज कैश डिस्काउंट राइट तो ये कैश डिस्काउंट किस लिए होता है कैश डिस्काउंट और बैड डेट्स ना हो जाए किस लिए बैड डेट्स ना हो जाए मतलब इसका मतलब ये बुक सेलर अगर बैंक्रप्ट हो गया मतलब कहीं छोड़ छाड़ के चला गया उसके पास पैसे नहीं रहे तो हमारी दिक्कत आ सकती है लेकिन बैड डेट्स घटाने के लिए और ये सिक्सटी सेवन अगर नवनीत को मिल गया तो वो अपने बिजनेस में भी लगा सकता है और फिर से 30 परसेंट तक ये उसका पैसा मतलब उसका मुनाफा वो कमा सकता है इसलिए ये ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट वी डू नॉट राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये लिखते नहीं है ये लिखा नहीं जाता है क्योंकि क्योंकि ये जो नवनीत देंगे ना बिल वाउचर देगी वो सेवेंटी का ही देगी कितना देगी सेवेंटी का हंड्रेड का नहीं देगी कितने का देगी सेवेंटी का ही बिल देगी हंड्रेड का देगी तो ये कमाएंगे क्या हंड्रेड में लिया हंड्रेड में बेचा तो वो कितने में देगी सेवेंटी में देगी वो सेवेंटी में देगी मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट वी डू नॉट रिकॉर्ड रिमेंबर दिस थिंग ट्रेड डिस्काउंट वी डू नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लेकिन कैश डिस्काउंट वी डू रिकॉर्ड इट कंसिडर एज हमने मिला हमको मिला तो इनकम और हमने वो दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो सकता है वी डू रिकॉर्ड, डू रिकॉर्ड दिस थिंग कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं आई होप यू अंडरस्टूड और बाकी का जो है वो हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बाकी है वो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएंगे हम सॉल्व करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड राइट तो नवनीत के लिए नवनीत के लिए डिस्काउंट अलाउड है यहाँ नवनीत कंपनी हमारे एग्जाम्पल में नवनीत कंपनी के लिए डिस्काउंट अलाउड है और ये बुक सेलर के लिए बुक सेलर बुक सेलर के लिए ये क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड है राइट तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टर्म आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाई एनी मीन इज कंसिडर एज डेप्रीशियशन इसको बोलते हैं घसारा बोलते हैं क्या बोलते हैं घसारा अपनी जो एसेट्स है उसकी कीमत घटती ही घटती है फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब 11th, टेंथ क्लियर हो गया आपके पापा ने बाइक लेके दिया और बाइक की वैल्यू है मान लो कि एक लाख रुपया है तो आप एक लाख रुपए की बाइक आज छोड़ के आए और आपने चलाई दो दिन कितने दिन दो दिन अभी आप बोलेंगे कि मुझे एक लाख दो मुझे ये बाइक वापस देनी है तो आपको एक लाख मिलेंगे यस और नो नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ आप शायद ओ एल एक्स ओ एल एक्स पे बेचने जाएंगे तो कितना आ सकता है मान लो नाइंटी थाउजेंड मान लो नाइनटी थाउजेंड क्योंकि ये तो आपका मतलब ये वो आपने तो यूज की है तो ये यूज हो गई जो ये टेन थाउजेंड डिक्रीज हुआ ना टेन थाउजेंड डिक्रीज इज नथिंग बट डेप्रीशिएशन राइट वाई बिकॉज टू डेज यू हैव यूज राइट ये एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है लेकिन आपको इतने में बेचनी ही बेचनी पड़ेगी इफ यू वॉन्ट टू सेल इट राइट सो इट्स ए रिडक्शन ऑफ द वैल्यू वैसे ही वैसे ही ये बाइक एक साल पुराना होगा दो साल पुराना होगा तीन साल पुराना होगा तो वैल्यू क्या एक लाख एक लाख दस हजार एक लाख बीस हजार ऐसा होगा नहीं होगा वो तो माइनस माइनस नहीं होगा जो घटती जा रही है ना उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन वैसे ही हमारी सब जो असेट्स है उनकी वैल्यू डे बाई डे घटती जाती है ओनली ओनली एंड ओनली लैंड है उसका बढ़ेगा बाकी का सबका घटेगा आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेप्रीशिएशन एंड जब मौका मिलेगा तो डेप्रीशिएशन अच्छे से मैं समझाऊंगा राइट तो बैड डेट्स की बात कर लेते हैं बैड डेट्स क्या होता है बैड डेट्स मतलब एन अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल परमानेंटली स्कॉल बैड डेट्स मतलब जो डेटर्स होता है ना हमारा ऑलरेडी वी हैव लर्न डेटर्स जिसके पास हमारा पैसा लेना होता है लेकिन क्या हुआ कि वो देवालिया हो गया है उसका मतलब उसका पैसे नहीं है उसके पास अभी तो हमको नहीं मिलेगा यू आर हियर और ये आपके डेटर्स है दस हजार का सामान बेचा था वो तीन महीने के लिए आपने बिल भी नहीं लिया था लेकिन ये विदेश भाग गया नीरव मोदी की तरह राइट तो क्या होगा ये आपको पैसा नहीं दे पाएगा तो ये टेन थाउजेंड आपके लिए क्या हो गया बैड डेट्स हो गया क्या हो गया बैड डेट इज योर एक्सपेंसिज योर इट इज कॉल्ड योर लॉस ये लॉस हो गया राइट तो लॉस हो गया ये परमानेंटली रिकवर नहीं है ऐसा नहीं है कि दस हजार दस महीने के बाद मिलने के चांसेस या 20 महीने के बाद मिले ये गॉन इट्स गॉन मोदी गया तो ये गया ऐसा जो होता है वो बैड डेट्स होता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स और बाद में इजी दो सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट क्या होता है जो इसको सद्धर बोलते हैं राइट ए पर्सन और फर्म हुन एसेट्स राइट कंसिडर है सॉल्वेंट होता है तो आप कैसे हो सोलवेंट है क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी आपके पापा की लाइबिलिटी कम है और आपका जो असेट्स है वो क्या है हायर है जो लाइबिलिटी मतलब पेमेंट करने का वो कम है और असेट्स ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं जिसके एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं वो पेज द ऑब्लीगेशन रेगुलरली ऑब्लीगेशन मीन्स योर लाइबिलिटी मतलब आपने जिसको पे करना है सैलरी पे करना है या किसी का डेट पे करना है या बैंक का लोन पे करना है या ई एम आई इक्वेटेड मंथली इनकम पे करना है और आप रेगुलर कर रहे हो तो आप सॉल्वेंट हो सदर हो वरना ये इंसॉलवेंट मतलब अद्धर हो सकते हो इंस्टॉलवेंट पर्सन क्या है ए पर्सन Whose or liabilities are more than the assets. मतलब लाइबिलिटी मान लो एक लाख है और उसके सामने बिचारे की एसेट्स तीस हजार है तो उसके पास साठ हजार रुपया कम है ये बेच के भी ये नहीं पे कर पाएगा तो उसको क्या बोलते हैं अदर मानी इंसॉल्वेंट तो इंसॉल्वेंट होता है तो उसके पास पूरा पैसा नहीं मिलता है मान लो कि आपका ही एक लाख है तो आपको थर्टी परसेंट ही मिलेगा मतलब पर पर रुपीस थर्टी पैसा ही मिलेगा उसको बोलते हैं इंसॉलवेंट तो ये जो मॉडरेटर होगा बीच में वो आपको थर्टी पैसा ही दे सकता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट ओके तो आपकी जो बुक में दिया गया है वो डेफिनेशन देखते हैं और बाद में मैंने इसको डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एक वीडियो बनाया है राइट तो उसको मैंने डाला है अकाउंटिंग टिट बिट्स बिट्स के जो प्ले है इसमें आप देख सकते हैं क्या है डेबिट क्या है क्रेडिट एक्चुअली आपको एग्जैक्टली exactly पता चल जाएगा लेकिन आपकी जो बुक्स के एग्जाम्पल है और डेफिनेशन है वो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एज डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट क्या है डेबिट है ये अकाउंट ऐसे बनते हैं अकाउंट कैसे बनते हैं मैं बता देता हूं अकाउंट कैसे बनते हैं राइट right. ये पहला अकाउंट हम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट यहाँ डेट आती है यहाँ आता है पर्टिक्यूलर यहाँ अमाउंट इन रुपीज आता है फिर से यहाँ डेट आती है यहाँ पर्टिकुलर आता है एंड अमाउंट इन रुपीज आता है राइट right. सो द लेफ्ट एंड साइड तो लेफ्ट एंड साइड क्या है ये रहा लेफ्ट एंड साइड तो लेफ्ट एंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड और और आपके बुक में ना अकाउंटिंग लिखा है वो अकाउंटिंग नहीं है लेकिन अकाउंट बोलते हैं राइट right? तो क्रेडिट राइट एंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉन्सिडर एज क्रेडिट तो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सो राइट एंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट तो ये भी समझ में आ गया होगा अकाउंट इज समरी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन राइट समरी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड अकाउंट तो कैश अकाउंट हमने बनाया है तो ओपनिंग कैश इतना था इतना रुपया आया इतना रुपया गया और बाकी कितना रुपया रहा ये जो समरी है वो सिनॉपसिस है या वो शार जो जिसको बोलते हैं वे शार को क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स बोलते हैं राइट तो समरी ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंट राइट सो वी हैव लर्न सो फार ऑल द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज इन अकाउंटिंग आई होप दैट ये तीन वीडियोस बनाए लेकिन आप तीन वीडियोस आराम से देखना डेढ़ घंटे का है लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड बहुत Precisely और बहुत ही uh, nicely I am I am explaining this. आई होप के आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे और आप ये समझ रहे होंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही हो और कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सो so, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये इम्प्रूव कर सकता हूँ अभी जो लास्ट वीडियो बनेगा वो जो अकाउंटिंग कैसे लिखा जाता है और बाकी का जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच